हेलो मॉम्स, वेलकम टू मॉम्स केयर। आई होप आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और गर्मियाँ अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आ चुका है। हम बड़े लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे तो परेशान होंगे ही। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस गर्मी में हम अपने बेबी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, गर्मियों में बेबी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपका बेबी 6 मंथ के ऊपर है तो बेबी को थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाना चाहिए, ताकि बेबी को डिहाइड्रेशन ना हो, बेबी हाइड्रेट रहे। इसके अलावा फ्रूट जूस और मिल्क, इससे भी बेबी हाइड्रेट रहेंगे। तो बेबी को थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर बाद बाद आप पानी पिलाओ, या फिर जूस पिलाओ, या फिर आप मिल्क दे सकते हो बेबी को। और अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो आपके बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही काफ़ी है। उन्हें अलग से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बार बार फीड करवाओ तो ही बेबी हाइड्रेट रहेगा। तो इसलिए बेबीज़ को इस समर सीज़न में हाइड्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए इस टाइम पे बेबी का हाइड्रेशन के तरफ एक अलग ध्यान देना चाहिए और बेबी को बार बार पानी पिलाते रहना चाहिए। नंबर टू, इस गर्मी में बेबीज़ की डाइट के तरफ एक अलग से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस टाइम पे बेबी को हाइड्रेट रखना और साथ साथ ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है वो भी देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर है और अगर उसने सॉलिड खाना शुरू कर दिया है, तो आप अपने बेबी की फूड चार्ट में ऐसा खाना इंक्लूड करो जो बेबी की बॉडी को कूल रखे। आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, फ्रूट जूस ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ, बाजार से खरीदा हुआ फ्रूट जूस नहीं। आप बाजार से फ्रूट्स खरीद के लेके आओ और घर पे फ्रूट जूस बना के दो, जो बेबीज़ के लिए ज़्यादा हेल्दी होगा और वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन और मिनरल्स भी मिलेगा जो बेबी को चाहिए इतनी गर्मी में। अगर आपका बेबी 1 साल से ऊपर है तो आप बेबी को काउ मिल्क दे सकते हो। अगर आपका बेबी 1 साल से नीचे है तो बेबी को काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। और अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए। उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग ही सब कुछ है, उससे ही उसका एसेंशियल जो न्यूट्रिशन होता है वो भी मिलेगा और वो हाइड्रेट भी रहेगा। उसके लिए सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही काफ़ी है, उसे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस गर्मी में एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बेबी को एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खिलाना चाहिए। इससे बेबी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेबी एक टाइम पे जितना खाना खाना चाहे सिर्फ उतना ही खिलाओ। आप अगर चाहो तो उसे बार बार थोड़ी देर बाद बाद करके खाना खिला सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना बेबी को नहीं खिलाना चाहिए इतनी गर्मी में। इससे बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस गर्मी में बेबी को हल्का कोई खाना खिलाओ जो बेबी आसानी से डाइजेस्ट कर सके और बेबी का बॉडी भी कूल हो सके। और बिल्कुल भी बेबी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए इस गर्मी में खाने को लेकर। वो जितना खाना चाहे एक बार में, उसे सिर्फ उतना ही खाना खिलाना चाहिए इतनी गर्मी में एक बार में। तो इसलिए बेबी का डाइट की तरफ इस गर्मी में ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 3, हीट रैश गर्मियों का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बेबीज़ को गर्मियों में घमौड़िया होता ही है, आधे से ज़्यादा बेबीज़ को घमौड़िया होता ही है। बेबी की नेक पे, फेस पे, आर्म्स पे, बेबी की गर्दन पे बहुत ज़्यादा घमौड़िया हो जाता है इतनी गर्मी में। तो इसलिए इस टाइम पे बेबी को जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। बेबी को हर रोज़ नहलाना चाहिए, एक माइल्ड सोप यूज़ करना चाहिए बेबी के लिए, ताकि बेबी का स्किन साफ़ सुथरा रह सके। आप बेबी को जितना साफ सुथरा रख सकते हो उतना साफ सुथरा रखने की कोशिश करो, ताकि बेबी को हीट रैश जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि घमौड़ियों से बेबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बेबी को अच्छे से साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपके बेबी को घमौड़िया हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कोई पाउडर यूज कर सकते हो। नंबर 4, चूजिंग राइट क्लॉथ्स ड्यूरिंग दिस समर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इस टाइम पे बेबी को बहुत ज़्यादा रैप करके नहीं रखना चाहिए या फिर मोटा सा कोई कपड़ा पहना के बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। गर्मियों में बेबीज़ के लिए बेस्ट है कॉटन का पतला सा कोई कपड़ा। आप बेबी को पतला सा कोई कॉटन का कपड़ा पहना के रख सकते हो घर में, और अगर आप बेबी को बाहर ले जा रहे हो तो फुल स्लीव पतला सा कोई कॉटन का कपड़ा पहनाओ, एक पतला सा फुल पैंट पहनाओ जो कॉटन का हो, एक कैप ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और जब भी आप इस गर्मी में बाहर जाओ आपके साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर होना चाहिए। तो इस गर्मी में बेबी की जो क्लॉथ्स है वो भी ध्यान से चुनना चाहिए, पतला होना चाहिए और कॉटन का होना चाहिए जो बेबी को कंफर्ट देगा। आप सिंथेटिक जैसी कोई कपड़ा बेबी को इस गर्मी में बिल्कुल भी मत पहनाओ, इससे बेबी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और पतला सा कोई कपड़ा बेबी को पहनाना चाहिए इस गर्मी में। नंबर 5, गर्मियाँ शुरू होते ही मच्छरों का अत्याचार शुरू हो जाता है, और ये मच्छर जो है वो बेबीज़ को बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसलिए आप बेबी को जब भी सुलाओ उसे मॉस्क्यूटो नेट के अंदर ही सुलाना चाहिए, बेबीज़ को खुला बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। अब जब भी बेबी सो रहा है आप उसे मॉस्क्यूटो नेट के अंदर ही सुलाओ, और आप जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना स्प्रे होता है वो आप घर पे स्प्रे करवा सकते हो, या फिर जो रोल ऑन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, रोल ऑन बेबी के कपड़ों पे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ तक बेबी का हाथ ना पहुँचे, जैसे कि बेबी इसकी बैक में लगा सकते हो आप रोल ऑन, या फिर पैंट के नीचे लगा सकते हो रोल ऑन, जिससे बेबी का हाथ जहाँ तक ना पहुँचे आप वहाँ बेबी के कपड़ों पर रोल ऑन लगा सकते हो। और अगर आप शाम के टाइम पे सारे खिड़की दरवाजे बंद रखोगे तो कमरे में मच्छर जो है वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं। तो शाम के टाइम पे खिड़की दरवाजे बंद रखो घर के, उसके बाद थोड़ा रात हो जाए उसके बाद आप खिड़की दरवाजे खोल सकते हो। शाम के टाइम पे अगर थोड़ी देर बंद रखोगे खिड़की दरवाज़ा तो शायद मच्छर उतना ज़्यादा नहीं आएगा घर में जितना आना चाहिए। तो जैसे भी हो बेबी को इस गर्मी में मच्छर से दूर ही रखो, बेबी को मच्छर ना काटे इसकी कोशिश करो। नंबर 6, बेबीज़ को डायपर रैश होना गर्मियों में बहुत कॉमन है, क्योंकि इस टाइम पे पसीना बहुत आ जाता है तो इसलिए बेबी को डायपर रैश होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसलिए बेबी को इस टाइम पे डायपर फ्री रखना ही बेस्ट है। समर सीजन एक बहुत ही अच्छा टाइम है बेबी को डायपर फ्री रखने का, या फिर आप क्लॉथ डायपर यूज़ कर सकते हो बेबीज़ के लिए, लेकिन मैं पर्सनली ये बोलूँगी कि इस टाइम पे बेबीज़ को डायपर फ्री रखना ही बेस्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप डायपर पहनाना ही चाहते हो तो बेबी का डायपर 2 घंटे के बाद बाद चेंज ज़रूर करना, और डायपर एरिया का हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। डायपर से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो। नंबर 7, समर सीजन में भी बेबी को मसाज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बेबी की स्किन हेल्दी रहे और बेबी रिलैक्स रहे। इस टाइम पे कोकोनट ऑयल प्रेफर किया जाता है मसाज देने के लिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा लाइट होता है जो इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और कोकोनट ऑयल बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसलिए इस टाइम पे कोकोनट ऑयल को ही मसाज ऑयल के रूप में रिकमेंड किया जाता है या फिर प्रेफर किया जाता है। आलमंड ऑयल को भी इस टाइम पे मसाज ऑयल के लिए प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए एक अच्छी ऑयल के साथ बेबी को इस गर्मी में भी मसाज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, समर सीजन में सरसों का तेल अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ होता है जिससे बेबीज़ की स्किन इरिटेट हो सकती है। तो इसलिए इस टाइम पे मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, और बेबी को मसाज देने के बाद एक अच्छी बात देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बेबी की स्किन से वो सारा ऑयल वॉश ऑफ हो जाए और बेबी का स्किन पे जो ऑयल का लेयर है वो हट जाए। इसलिए एक अच्छे ऑयल से इस गर्मी में भी बेबी को मसाज देने के बाद उसे अच्छी तरह से बाथ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 8, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, इस टाइम पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, धूप भी बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे, तो इसलिए इस टाइम पे घर से बाहर बेबी को ले जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस टाइम पे घर पे रहना ही बेस्ट है। लेकिन हाँ, इस टाइम पे अगर आपको बाहर जाना ही है तो वो सारे प्रोटेक्शन लेके जाओ जिससे बेबी कम्फर्ट फील करे, अनकम्फर्टेबल फील ना करे। नंबर 9,
समर सीजन में हर टाइम रूम का खिड़की दरवाज़ा बंद करके नहीं रखना चाहिए, सुबह सुबह घर के खिड़की दरवाज़ा खोल देना चाहिए ताकि बाहर की जो ठंडी फ्रेश हवा है वो रूम में आ सके और रूम को फ्रेश कर सके और रूम को जर्म फ्री कर सके। तो इसलिए सुबह सुबह घर के खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए ताकि ठंडी हवा घर में आ सके और रूम को फ्रेश कर सके। एंड नंबर 10, बेबी को इस टाइम पे अच्छे से हाइड्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी है और उसे ऐसा खाना देना चाहिए जो जिससे उसकी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके और बेबी की वैक्सीनेशन शेड्यूल को प्रॉपर मान के चलना चाहिए। मतलब इतनी गर्मी है हम बाहर नहीं जा सकते तो आज रहने देते हैं वैक्सीन, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबी की वैक्सीन बेबी को टाइम पे देना चाहिए, ये बेबी को हर एक जर्म से प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए बेबी की वैक्सीन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए इस समर सीजन में भी। तो बस ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो इस गर्मी में आप ध्यान रखोगे तो आपका बेबी भी इस गर्मी में हेल्दी रहेगा और हैप्पी रहेगा और ये गर्मी ये चुटकियों में कट जाएगा, बेबी को कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ा हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लाने में, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक मॉम्स केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दी, दी।